हेलो फ्रेंड्स, मैं उस समय और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। यहाँ पे मैं वाटर कलर टाइट स्केचिंग करने जा रहा हूँ कार्ट्रीज 120 GSM। यहाँ पर मैंने पेपर यूज़ करा है, तो एज अ बिगिनर्स हो अगर आप सभी लोग, तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लैंडस्केप ज़्यादा करें, क्योंकि उस पर आपको हैंडलिंग करने में पोर्ट्रेट के हिसाब से ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए। तो आप लैंडस्केप से चालू करें अपन का, जितना हो सके बड़े बड़े वॉश मारें एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं बेसिकली मैंने माउंटेन्स का रिफरेंस यूज़ करा था, तो यहाँ पे मैं इतना ना ज़्यादा डिटेल्स में जाते हुए स्केचिंग में बस पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा 3 डायमेंशन लुक और जो अपन को फॉर्म चाहिए है जिस चीज़ का, मैं बस उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में एक बनाया है और साइड में दो अपन के छोटे छोटे से माउंटेन्स ले लिए हैं, और थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए मैंने पीछे भी हल्का सा माउंटेन्स का लुक दे दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपन का जो बीच की जो चोटी टाइप की होती है वो हल्का सा निकाल दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक वगैरह मिल जाए। हल्का सा शेड वगैरह डाल के डायरेक्ट फिर मैं वाटर कलर्स पे आऊँगा। इस पर मैं लैंडस्केप बना रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा मैं इसमें कि मुझे यहाँ पे भी वो बनाना है या फिर वहाँ पे भी। जैसे अब इसमें ट्री वगैरह भी हैं तो मैं इतना फोकस नहीं करूँगा यहाँ पे। तो मैंने डायरेक्ट वाटर कलर ले लिया है, जितना हो सके आप बड़े वॉश मारिएगा। कार्ट्रीज पेपर है तो बेसिकली वो जल्दी ही आपका जो आपने कलर लिया है वो सूख लेगा एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्म्स हैं एक तरीके से मैं बस डार्क, थोड़ा सा डार्क टोन लेके उनको क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा ये होना चाहिए था, वहाँ पे मेरा शेडो एरिया जो है उनको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ। बिल्कुल भी आप डिटेल्स में नहीं जाइएगा। ये मैंने पहला लेयर डाल दिया है बेसिकली एक तरीके से, जैसे ही आपका अपने आराम से डालिएगा वो, इतना कुछ हरी अप टाइप का नहीं करना है अपन को, और थोड़ा मैशी टाइप का भी ना देखे। जो मतलब अपन स्टोक लगा रहे हैं वो अपन को मालूम रहे कि मैंने यहाँ पर ही स्टोक लगाया और मुझे यहीं पर ही लगाना चाहिए था, तो इतना कंट्रोल होना चाहिए। वैसे वो आपका प्रैक्टिस के साथ आते जाएगा। तो जल्दी ज़्यादा हरी अप नहीं करिएगा आप लोग। जैसे ही आपका जो आपने पहली लेयर लगाया है तो उसको ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, ताकि आप उसके ऊपर जस्ट सेकेंड लेयर यूज़ कर सकें। यहाँ पर जैसे ही आपकी पहली लेयर एक तरीके से ड्राई हो जाए तो आप सेकेंड लेयर पे आ सकते हैं। अपने जितना हो सके वाटर कलर्स में जो कलर्स की इंटेंसिटी जो है वो आप अपनी कम ही रखिएगा, और कलर मिक्सिंग जितनी ज़्यादा हो सके उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अब सेकेंड लेयर करने जा रहा हूँ। जहाँ पे आपकी पहली लेयर ड्राई हो जाए वहाँ पे आप सेकेंड लेयर कर दीजिए। और अगर जितना हो सके आपने, जैसे मान लीजिए एक जगह पे आपने लेयर डाल दिया, दूसरी जगह पे डाल दिया, तो दूसरी जगह पे जब तक आप करेंगे तो जब तक पहली अपन ने जहाँ पे पहला करा था उधर पे अपन का ड्राई हो चुका होता है। मैं अब वैल्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ कि कहाँ पे कितना डार्क होना चाहिए, कहाँ पे कितना लाइट होना चाहिए, ताकि जो राउंडनेस है अपन के शेप की या फिर जो वॉल्यूम टाइप का अपन को जो दिखाना है वो आ सके। और हमेशा बनाने से पहले आपके दिमाग में ज़रूर चलना चाहिए कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ एक तरीके से। तो जहाँ जहाँ पे मुझे वॉल्यूम दिखाना है या फिर जहाँ पे मुझे हाई टोन या फिर डार्क टोन दिख रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से उस तरीके का वॉल्यूम देते जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कलर्स की अगर बात करूँ तो कलर्स मैं डायरेक्ट प्योर कलर कोई भी नहीं लगा रहा हूँ। जहाँ पे उनके अपोजिट जो कलर्स व्हील होता है अपन का, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड का कलर मिला के हल्का सा डल लगा रहा हूँ, डल कलर लगा रहा हूँ। थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देता है और इतना अपन का थोड़ा सा प्रोफेशनली लुक देता है एक तरीके से। हल्का सा अगर आप डल कलर वगैरह यूज़ करें तो थोड़ी सी इंटेंसिटी कम करके। तो यहाँ पे बेसिक सा आप देख रहे हैं एक तरीके से, बहुत ज़्यादा वाटर लेके और कलर कम लेके
मैंने हल्का सा मतलब फ्लैट वॉश सा मार दिया एक तरीके से। वॉश तो नहीं कहेंगे फिर भी, स्ट्रोक टाइप के कहेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा मैंने कुछ करा नहीं है इतना, बस जहाँ पे जैसा जो कलर दिख रहा था हल्का सा उसी का डल रह के जितना हो सके पानी ज़्यादा लेके वो लगा दिया है। और जितना हो सके आपको यही करना है, अगर आप एकदम से ज़्यादा कलर लेके लगा देंगे तो आपके लिए लाइट छोड़ने के लिए वो नहीं बचेगा। तो हमेशा ध्यान रखें वाटर कलर में लाइट टू डार्क जाए। और साथ में अब इसमें मैं, अब जैसे मैंने लाइट टोन डाल दिया था जगह, तो अब मैं सेकेंड लेयर पर इसका धीरे धीरे इसकी वैल्यूज़ भी देखते जाऊंगा, और साथ में जहाँ पे जिस कलर को लगाना चाहिए मैं उसको उस हिसाब से देखते जा रहा। और थोड़ा सा स्ट्रोक वर्क में वो करूँगा, मैं ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करूँगा इसमें एक तरीके से। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कुछ पूरा फर्स्ट लेयर एक बार में, सेकंड लेयर एक बार में ऐसा नहीं करा है। मुझे जिस हिसाब से जैसा दिखते जा रहा है उस हिसाब से मैं अभी तो कलर अप्लाई करते जा रहा हूँ, और उसी के हिसाब से वैल्यूज़ वगैरह को ध्यान में रखते हुए, शेप वगैरह को ध्यान में रखते हुए ये सब। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
मैंने अब 000 या फिर 1 नंबर का ब्रश उठा लिया है। मैं बस इतना डिटेल्स में नहीं बना रहा हूँ, बस हल्का सा बस स्ट्रोक दे दे रहा हूँ ताकि वो ट्रीज जैसा दिखने लगे। और ट्रीज अगर आगे है तो उसका कलर जो होगा वो हल्का सा डार्क होगा, जितना पीछे जाते जाएगा ब्लू में हल्का सा मिक्स होते चले जाएगा। तो ये सब अपन को देखना पड़ेगा। और जिस वे में मैं लगा रहा हूँ उधर पे उस तरीके का ट्री भी दिखना चाहिए अपन को। तो जो आप जिस तरीके का ट्री बना रहे हैं उस तरीके का ही स्टोक लगना चाहिए, ताकि जिस तरीके का आपने स्टोक लगाया वो उस ही तरीके का ट्री देखे। और इतना डिटेल्स में नहीं बनाइएगा, अपन की आई उतनी दूर तक कैप्चर नहीं कर पाती है जो अपन ने देखा है। तो इतना आपको डिटेल्स में बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप नहीं तो एक एक पत्ती बनाने को बैठ जा। जहाँ पे बस हल्का सा लुक दिख गया कि हाँ यहाँ पे ट्री है एक तरीके से। अब यहाँ पे जो चोटी की जो शेडो वगैरह आती है, जिससे जो जो शार्प शेडो है जहाँ पे हल्का सा फोकस चला जाए, तो उधर पे मैं अब उनको हल्का सा डार्क करके क्लियर बना रहा हूँ। हल्का सा टाइट में हल्का सा बना रहा हूँ ताकि वो एकदम हल्का सा फोकस चला जाए उस साइड, और फोकस के साथ साथ उधर पे वो क्लियर दिखने लगे। हल्का सा ब्लरी टाइप का ना दिखे या फिर हल्का सा फॉगी टाइप का ना दिखे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इधर पर सिग्नेचर करने के बाद मैं अब इसको कंप्लीट ही कर दे रहा हूँ फाइनली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको। तो वीडियो अब यहीं पे मैं रैप अप करूँगा।